गाइस बेला को खोला हुआ मैंने, घूम रही है। और अभी मैंने अपने बाकी मुर्गियों को रैबिट्स को बाहर नहीं निकाला, मैंने कहा पहले बेला को वॉक करवा दूँ। काफ़ी दिन हो गए बेला को इस तरह वॉक नहीं करवाई, वैसे वॉक भी इस तरह करवाने चाहिए ताकि इसकी सेहत ठीक रहे। केज में जाती है और बाहर बंद हो जाती है, बस इसकी यही रूटीन है। तो आज मैंने सोचा इसको वॉक करवाता हूँ ताकि इसकी सेहत ठीक रहे। वॉक करने से जाना फिटनेस अच्छी रहेगी इसकी, बीमार नहीं होगी, एक्टिव रहेगी। इसमें वॉक करवा रहा था, ये देखिए बेलदा। और बाकी बर्ड्स जो सारे इधर आए हैं कि हमें जल्दी से बाहर निकाला जाए। ये देखें सारे रैबिट्स और सारे मुर्गियाँ वगैरह। हेलो कुकी, कुकी कुकी तो भागती रहती है, हमारे पास ही नहीं आती। इसका पता नहीं क्या मसला है, ये टेम ही नहीं हो पा रही। कब ये टेम होगी यार। हेलो कुकी, चलो मैं ना अपनी बेला को उधर बांधता हूँ। आ जाओ बेला। गाइस इन सबको बाहर निकालते हैं, बेताब हो रहे हैं ये तो। चलो भाई आ जाओ। गिटी 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 गिटी, ओहो यार ये तो एकदम से ना हमला ही कर देते हैं मेरे ऊपर। चलो भाई, कोई कॉकटेल भी तक सामने बैठे हैं, मुझे पता नहीं चला। कॉकटेल का भी इनका डर रहता है कहीं ये भाग ना जाए। चलो जी ये तो निकल रही। गिटी गिटी गिटी, ये बड़ा कमज़ोर। ओए यार इस रैबिट का देखें पाँव ज़्यादा ख़राब हो गए गर्मी की वजह से शायद, अल्लाह खैर ही करे। ये सबसे छोटा है और थोड़ा कमज़ोर भी लग रहा है इन सब से। मैं इसे दोबारा से पॉलीटीन लगाता हूँ। ये देखें किधर आ गया, मस्ती से मस्तियाँ कर रहे हो। चलो आ जाओ बाहर, जिस जिसने आना है। ये देखें कुकी मेरे पास आ रही थी। कुकी इधर आओ, कुकी 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 कुकी। तो कैसे टेम करूँ, मुझे कोई मशवरा दे दे कैसे टेम होगी हमारी कुकी। ओहो ये देख फिर बात, कैसे टेम करना बड़ा मुश्किल काम है। टेम कर रहा हूँ लेकिन टेम हो नहीं पा रही। कुकी आ जाओ मेरे पास। तो गाइस मुर्गियाँ वगैरह सारी बाहर आ गई हैं और इन्हें आज मैंने सब्जियाँ दी हैं और अंडों के छिलके भी दिए हैं, क्योंकि ना इनके अंडों के छिलके जो है ना वो कमज़ोर थे, छिलके बारीक थे और अंडे जो नरम नरम थोड़े से थे। मैंने कल एक पकड़ा था अंडा, काफ़ी नरम नरम, कैल्शियम की कमी थी इन्हें, तो मैंने जो है ना ये अंडे के छिलके डाले, ये खाएँगी ना तो कैल्शियम की कमी ठीक हो जाएगी। और अपने छोटे रैबिट को ना इसे पाँव पर चोट लगी, उसे मैंने अभी पायोडीन लगाई। ये देखें इसका पाँव बिल्कुल ही ड्राई हो गया था और आज इसने जो है ना अपने पाँव को छेड़ा है तो उससे थोड़ा सा ख़राब किया, तो मैंने पायोडीन मज़ीद लगाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हूँ। तो गाइस सारे बर्ड्स बाहर आ गए हैं, चूज़े बाहर आ गए हैं, डक्स को डकलिंग्स को बाहर निकालते हैं अभी। डकलिंग्स हेलो, आ जाओ। ये देखें आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पानी जब भी इन्हें दूँ फटाफट से इन्होंने देखे पी लेना और नहा लेना। आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ। ये देखे एक रह गया, बाकी सारे माशाल्लाह से आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखे इधर ही छोड़ देता हूँ। एक का तो पाँव का मसला है, ये है बेचारे का, वैसे एक्टिव है काफ़ी। इसका पाँव देखें जैसे हमारे रैबिट का हुआ ना वो छोटे का, वैसे इसका एक पाँव हो गया। हेलो हेलो, क्या हाल है? ठीक हो? इन्हें भी खाना देते हैं ताकि ये भी मज़े से खाना खाएं। ये मज़ीद सब्जियाँ ये भी इन्हें देते हैं। ये नहीं वो जो है ना
मुर्गी के पाँव के नीचे आया है, इसलिए वो शोर मचा रहा है वो वाला। अब ठीक है, तो गाइस बैला के लिए दूध लेके आया हूँ मैं, ये थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी डाला है और दूध ज़्यादा है इस दफ़ा, और यहाँ पे उसे फीड भी देते हैं। निकल ऐसे ऐसे, सुबह मैंने उसे दी थी और अब दोपहर का टाइम है और शाम को फिर मैं दूंगा। तकरीबन इसे तीन टाइम मैं देता हूँ खुराक, जैसे हम तीन टाइम खाते हैं, लेकिन मैं तो कभी कभी दो टाइम खाता हूँ, लेकिन अपने बैला को मैं तीन टाइम खुराक देता हूँ। ये इसका दूध और ये उसके बिस्किट। ओहो गिर ना जाए कहीं, दोनों लेके जाने हैं एक साथ, मैंने तरीके से पकड़ लेता हूँ। चलो जी, चलो बैला बैला आ जाओ, हमारी मुर्गियाँ भी आ जाती हैं बैला का खाना खाने के लिए। ये देखें बैला की खुराक मुर्गियाँ। ओहो हो, चलो साइड पे हो यार। हेलो, वो दूध भी पी रही हैं। ओ यार ये क्या हो गया। ये तो सारा खाना बैला का मुर्गियाँ खा गई, मैं क्या करूँ अब, ये बैला भी बेचारी। सारा का सारा खाना यार बैला का खा गई मुर्गियाँ। ये देखें एक दाना नहीं छोड़ा और वो मासूम साइड पे बैठी हुई है। ये देखें हद हो गई यार, और अब दूध पी रही है उसका, सारा खाना इन्होंने खा लिया, एक दाना भी नहीं छोड़ा बैला का। इतने मज़े से बैला ने खाना था तो बेचारी का खाना सारा जना मुर्गियाँ खा गई। चलो मैं अब इसे ठहर के दूंगा, फिलहाल ये दूध पड़ा है ना तो यही पी लेगी। देखें मुर्गियों ने गिरा भी दिया। चलो उस तरफ, गिरी 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 गिरी। ओ यार सारा दूध गिरा दिया। गिरी 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 गिरी। तो अब ये मुर्गियाँ दूध पी रही हैं, कुछ गिरा दिया उन्होंने और सारा खाना बैला का जाना ये मुर्गियाँ खा गई। इतने तमाम से मैं खाना लेके आया था बैला के लिए, दूध और उसके फेवरेट बिस्किट, तो बेचारी ने ज़रा सा भी नहीं खाया, सारी मुर्गियों ने हमला कर दिया और सब कुछ खा लिया। गाइस अभी हमारी गिनी फोर उस तरफ गई थी तो मैंने इसे दाना दिखाया, तो दाना देख के फौरी उड़ के आई है वहाँ से, तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ था, वो दाने की ताकत से होना इतनी ज़्यादा। ये देखें थोड़ा सा दाना मैंने वैसे ही डाला है, उसे लालच देता हूँ ताकि इधर आए, उनके घर चली गई थी तो वो आगे वापटा वगैरह है तो उधर चले जाते, मसला बनना था। तो अब दाना इन्हें सही बना डालते हैं, ये तो थोड़ा सा है, फिलहाल यही डाल देता हूँ। आज तो फुल भूखे लग रहे हैं, जैसे ना इन्होंने सदियों से खाना नहीं खाया, तो बैला बेचारी का भी सारा खाना खा गए। ये रहा बिठा अंदर ही है, मैं समझ सारे बाहर हैं, इन्हें भी बाहर निकालते हैं, दाना इन्हें भी मैंने डाल दिए। देखिए सारे मज़े से अब दाना खाएंगे। तो गाइस अंडा भी मैं ले आया हूँ अंदर से निकाल के, और ये देखें ये मज़े से नहा रहे हैं, आज मैंने इनके लिए बंदोबस्त नहीं किया कोई, तो ये खुद ब खुद ही नहा रहे हैं। और ये देखें चील, ये वाली चील जो है ना ये कितनी दफ़ा हमारे पास आई है, तो ये डक्स देख के अच्छा, ये चील जो है ना चील, ये खतरे की निशानी है। ये वाला टब इनके लिए ज़्यादा अच्छा है, खुद ही अंदर जाते हैं खुद ही बाहर आ जाते हैं। तो जो मैंने काली ने दिया था वो काफ़ी बड़ा था, तो इनके लिए मुश्किल हो रही थी, ये बाहर निकल सकते थे, अंदर बस तैर रहे थे बस मज़े से, तो ये छोटा वाला इनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। ये देखें अपनी मर्ज़ी से बाहर आ जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से अंदर चले जाते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। गाइस इन्हें मैंने फीड भी करवा दी है, ये थोड़ी सी फीड बच गई थी, तो हमारा ये सनफ्लावर जो है ना ये बड़े मज़े से खा लेते हैं, हालांकि ये बड़ा है। ये चीकू जो है ना ये देखें मिट्टू मज़ेदार है, हैं ये कितने मज़े से खा रहा है, ये लो खा लो, ये फीड है इसके अंदर, ये देखें लिक्विड, तो ये इसे बचपन से शायद इस तरह ही पाला होगा ना, तो ये बड़े शौक से खाता है ये देखें। और नीचे वाला सनकनोर भी ऐसे ही है, ये देखें हेलो चीकू, खा लो खा लो खा लो, बड़ी मज़े की है, ये फीड का टेस्ट बहुत अच्छा होता है वैसे। मिट्टू खा लो खा लो खा लो खा लो, ये देख कितनी स्पीड से खा रहा है, हेलो खा लो खा लो खा लो। लारा ने खाना, लारा नहीं खाएगी। लारा ने खाया थोड़ा सा लेकिन डर के भाग गया, इसने मिर्च मिर्च इसने ना नहीं खाई। ये देखें ट्रे के नीचे गिरी हुई है, तो नीचे गिरी हुई इसने उठाई नहीं होगी, तो इसने मिर्च वगैरह नहीं खाई। हम इन्हें ये खिलाते हैं मज़े से खाते हैं।
कितने शौक से खा रहा है। आज तो सान करोड़ के साथ मज़ा कर रहा हूँ मैं तो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका जब फीड करवाता हूँ इन्हें। ये देखें वो अब ऊपर बोल रहा है, हाँ और खानी है, ये लो खा लो खा लो खा लो। ये देखें कितनी स्पीड में खा रहा है। अच्छा इधर वाले सान करोड़ ये नहीं खाते, ये भाग जाते हैं। मी टू, नहीं ये नहीं खाते। ये देखें ये फौरी भाग जाते हैं। ये लो आ जाओ, नहीं खाना, ये नहीं खा रहा। तो इन सब को भी मैंने हाथ से खाना खिलाया हुआ है जब ये छोटे थे। हाँ जी ये ख़त्म हो गई तो फिर मैं बात करूँगा, थोड़ी सी और पड़ी हुई है लेकिन वो मैंने रात के लिए रखी है छोटे बच्चों को खिलाने के लिए। हाँ लारा खानी है। लारा को भी खिला दी। ये देखें बड़ा मज़ा आता है जब ये इस तरह इन्हें खुराक खिलाओ तो। ये हालांकि बड़े हैं लेकिन अंडे वगैरह इन्होंने एक दफ़ा बिन दिए मेरे पास। हेलो हेलो खा लो, ख़त्म हो गई है। आखिरी बाइट इसको देते हैं, ये लो आखिरी आखिरी आखिरी। और इंसान कनोर का भी मैं चेक करता हूँ बॉक्स, इनके पास अंडे आए हैं कि नहीं आए, ऊपर से देखते हैं। कोई अंडा नहीं, खाली अंडे दे दो यार, कितना परेशान कर रहे हो आप मुझे। इनका भी चेक करते हैं, ये भी खाली है, इसके अंदर भी अंडे नहीं। अब इधर से मैं देखता होता हूँ लेकिन अभी इधर केज है और जगह नहीं है, उस तरफ भी जगह नहीं है डब्बा खोलने के लिए, मैंने ऊपर से देख लिया। तो ये भी काम मेरा हो गया। ये देखें ये फीड पड़ी है, मैं रात को छोटे बच्चों को खिलाऊँगा जो थोड़े ज़्यादा छोटे हैं और खुद खाना नहीं खाते, मसलन ऐसे वाले। ये देखो इनकी माँ जो है ना वो कम खाना खिलाती है। तो गाइस बर्ड्स वगैरह को अब मैं बंद करने लगा हूँ सारों को, इन चिक्स को भी उठाते हैं और अंदर जो है इनके केज में रखते हैं, और बाकी बर्ड्स को मैं बंद कर देता हूँ। ये देखें चल गिडी 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 गिडी, चल गिनी नीचे उतरो, गिनी फॉल नीचे उतरो नीचे उतरो, ये बार बार ऊपर जा रही है। इन सब को मैं बंद करता हूँ अब, और चील भी बार बार आ रही है, वो अब वो सामने जा कर बैठी इस पिलर के ऊपर। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज। गिनी फॉल नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो, चलो गिडी 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 गिडी, चलो अंदर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, गिडी गिडी गिडी, चलो यार आप भी आ जाओ।